हेलो एवरीवन, दीपाली ठाकुर नाम है मेरा, भोपाल से हूँ। एंड आज हैप्पी हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूंगी सभी को। और मैंने आज ही मदर्स डे सेलिब्रेट किया है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि 12 साल लग गए ये सुनने के लिए कि कहते हैं ना कि आप माँ बनने वाले, वो सेंटेंस ही इतना बड़ा होता है, वो सेंटेंस ही इतना बड़ा होता है, वो जो दो रेड लाइंस देखनी होती है ना कि यस रिजल्ट पॉजिटिव, उसमें 12 साल लग गए फ्रेंड्स। तो 12 साल की जर्नी में इतनी नेगेटिव चीजों को फेस किया कि सारे ट्रीटमेंट्स करा के देख लिए, दो दो IVF कराए फेल हुए, IUIs कराए वो भी फेल हो गए। धीरे धीरे ट्रीटमेंट के दौरान पता चला यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, मतलब छोटा सा यूट्रस है, आप उसमें नहीं रख सकते हैं बच्चे को। फिर एक ट्यूब नहीं है, ट्यूब है एक है तो पता चला कि फिर फॉलिकल्स नहीं ग्रो हो रहे हैं, मैच्योरिटी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आ गई। तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं होप तो खो दिया था कि कभी लाइफ में ये मौका आएगा भी कि नहीं आएगा, बस दूसरों को देख देख कर ही इंजॉय करते थे। लेकिन कोविड ड्यूरेशन में, लॉकडाउन में, माइंड में एक विचार आया कि क्यों ना एक बार और ट्राई करते हैं। तो मैंने दोबारा से ट्राई किया और लकीली IVF सक्सेसफुल हो गया, और मैं इतनी खुश हो गई कि डॉक्टर भी ये बोल रहे थे कि आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैंने कहा रिस्पॉन्स कैसे आएगा, मैं तो टाइम मतलब रोना आ रहा था, आवाज तक नहीं निकल रही थी, रिस्पॉन्स कैसे आता। फिर डॉक्टर समझे कि हाँ चलो बहुत प्रीशियस प्रेगनेंसी है, बहुत काफी टाइम बाद ऐसा हुआ है। तो जब इतने समय बाद ये मौका मुझे मिला तो मुझे लगा कि बेबी जो है वो एक साधारण बेबी नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ बेस्ट उसको देना है तो उसके लिए करना क्या है। गर्भ संस्कार, बहुत सारे लोग कहते हैं गर्भ संस्कार गर्भ संस्कार। तो मैंने YouTube पे सर्च करना चालू किया तो इतने सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, इतने सारे लोग आपको मिलेंगे, ऐसी ऐसी सॉन्ग्स मिलेंगे कि आपको लगेगा पता नहीं क्या करना है, एक गाइडेंस नहीं मिलेगा आपको प्रॉपर। एक 5 दिन का वर्कशॉप भी अटेंड किया बट वहां से रिजल्ट नहीं, मुझे कनेक्शन नहीं फील हुआ कि हाँ कि यहाँ से कुछ किया जाए, या कनेक्टिविटी नहीं मिली। फिर विष्णु माने सर का एक प्रोग्राम, कहते हैं कहीं आपको जहाँ लॉजिकल कनेक्ट होना होता है वो चीज बार बार आपकी आंखों के सामने आती है। तो सर का जो प्रोग्राम होना था 1 घंटे का, वो काफी महीनों से मेरे सामने आ रहा था बट वो कहीं ना कहीं टाइम डिले आ रहा था उसमें। मैंने दूसरे प्रोग्राम अटेंड किए थे बट इसको अटेंड करने में काफी टाइम लग गया। फिर जैसे ही मैंने इसको अटेंड किया, 1 घंटे के अंदर मुझे ये चीज क्लियर हो गई थी कि कनेक्ट होना है तो यही होना है, क्योंकि सर जो बात बोल रहे थे वो मुझे क्लियरली समझ में आ रही थी, क्योंकि वो कनेक्शन प्रॉपर बैठ जाता है, वो सच्चाई पता चलती है कि हाँ सामने वाला बंदा आपको जो भी देगा वो अच्छी ही चीज देगा। मैंने तुरंत उसको ओके किया, पेमेंट किया, 4th मंथ से GST में कनेक्शन किया मैंने, और 4th मंथ से सारी एक्टिविटीज कर दी। पूरा दिन पॉजिटिव कैसे हो जाता है पता नहीं चलता, सुबह उठते ही साथ मॉर्निंग म्यूजिक, ट्रांस, मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें करते 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 पॉजिटिविटी हो गई। सर ने एक चीज बोली थी, न्यूज मत सुनना, क्योंकि उस समय कोविड वाला टाइम चल रहा था, तो लिटरली जो भी चैनल चेंज करते थे कोविड का न्यूज चल रहा होता था। तो मैंने सबसे पहले TV बंद किया, कोविड से दूर हुए, और ये 9 मंथ्स कैसे निकाला है कोविड से बचा बचा के, ये भी एक बहुत ही टिपिकल चीज थी। फिर उसके बाद 5th कहेंगे, इस GST में जो सिस्टम है, जो गाइडेंस है, वो बहुत ही सिस्टमेटिक और प्रॉपर था। और सबसे पावरफुल चीज जो मुझे इसमें लगी वो है एफर्मेशन राइटिंग। आप बिलीव नहीं मानेंगे, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी घटनाएं लाइफ में होती जा रही थी कि अगर हम ये एफर्मेशंस नहीं होते तो आगे नहीं बढ़ सकते थे। 5th और 6th मंथ में कंटिन्यू 2 बार ऐसा हुआ कि अचानक से रात को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। 12 साल के बाद अगर कोई कंसीव करता है और उसको ऐसे अचानक से ब्लीडिंग हो जाता है तो कितना खतरनाक टेरर होता होगा कि अब क्या होने वाला है। लेकिन फ्रेंड मन में जरा सा भी डर नहीं आया, जरा सा भी डर नहीं आया, सिर्फ एक बात आई कि सर ने बोला है कि आप पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा होगा। तो मैंने फटाफट रात को ही डायरी उठाई, रात को ही लिखना चालू कर दिया कि माय बेबी इज सेफ एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल। मैंने बार 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 लिखा, सुबह से जाके एडमिट हुए और 1 डे में ठीक होकर वापस आया। ऐसा 2 बार हुआ मेरे साथ। तो एक चीज क्लियर हो गई थी कि जब आप कोई चीज लिखते हो तो आपका बिलीव लेवल पक्का हो जाता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, सब कुछ बेस्ट होगा। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये यूनिकॉर्नुएट यूट्रस था, डिलीवरी 36 वीक में प्लान हुई थी बट डॉक्टर ने कहा कि जगह कम है, बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो ब्रीच पोजीशन है, तो आपको ये बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो 35 वीक्स में ही डिलीवरी करनी थी, और वेट भी इसका कम था, 2 kg का वेट था। और जैसे ही इसका बर्थ हुआ, इसकी रोने की आवाज आई, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। तो आप सोच नहीं सकते कितनी खुशी हुई थी मुझे कि मैंने जो लिखा था, सोचा था, वो हो गया।
अब इसको NICU में नहीं मेरे पास लाया जाएगा। और आप बिलीव नहीं मानेंगे, ये 2 kg का था, बहुत वीक दिखता था, लेकिन इसको मैंने रख रख के आज अभी ये 14th को 2 महीने का हो जाएगा। बहुत टेक केयर की, जॉइंडिस हो गया था इसको, फिर विदाउट कोई मेडिकेशन जॉइंडिस भी ठीक हुआ। 4 दिन के अंदर हॉस्पिटल में ये टर्न लेने लगा, करवट लेने लगा, और कहते हैं त्राटक त्राटक, मुझे तो पता ही नहीं था क्या होता है त्राटक, लेकिन जब मैंने उसको प्रैक्टिस किया, तो जब प्रैक्टिस करती थी तो सोचती थी पता नहीं क्या होगा, इससे कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन जब बेबी को देखा तो जो आई बॉल्स है वो इतना कॉन्सेंट्रेट करके देखता है, कहीं भी एक जगह देखेगा तो देखता ही रहेगा, देखता ही रहेगा, मतलब उसका टर्न होना, उसका कंटिन्यू देखना, और उसका बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि ये 2 महीने का बच्चा है। तो काफी सारी चीजें हैं, तो GSC टीम को और सर का जो एक मोटिव है उसको मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि चीजें बहुत है लेकिन उसमें भी परफेक्शन होना चाहिए, वो मुझे मिला और पूरी टीम से मिला। और जो ग्रुप्स आपने प्रोवाइड किए वो बहुत अच्छे हैं, वो भी आपको एक पॉजिटिविटी देते हैं। जब बिफोर था, प्रेगनेंसी टाइम ड्यूरेशन था, तब भी सारे डाउट्स क्लियर किए गए, और अभी पॉजिटिव पेरेंटिंग में भी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, सबके बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा जो भी चीजें प्रॉब्लम्स होती है वो सब क्लियर होती है। और जो BRC प्रोग्राम है, डेफिनेटली मैं उसको ज्वाइन करने वाली हूँ, अभी अभी जो रिसेंट इंट्रोडक्शन हुआ था वो भी मैंने देखा, और कोशिश यही है कि नेक्स्ट जो भारत रत्न होगा वो ये होगा, ईशान इसका नाम है, और कोशिश है कि इंडिया के लिए कुछ अच्छा कर पाए, कुछ बेहतरीन कर पाए, ये ऐसी सोच है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि भारत रत्न बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर रहे हो, तो ऐसा हो नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है, अगर हम लक्ष्य बड़ा नहीं रखेंगे तो वहां पहुंचने का रास्ता भी नहीं मिलेगा, और जो कि इजी रास्ता सर ने प्रोवाइड कर दिया है कि आप ये फॉलो करोगे तो होगा। तो डेफिनेटली GSC टीम को बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया, और बहुत सारी क्रिएटिविटी जो मैंने पहले कहीं खो दी थी वो वापस आई, ड्राइंग की है मैंने, बहुत सारी ड्राइंग की है, और क्रिएटिव मॉम का अवार्ड भी लिया है, कई सारे लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते थे, भूल जाते हैं, लेकिन GSC में हर एक चीज अप्रिशिएट की जाती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, GSC ने लाइफ बदली है, बेबी दिया है, और अब वो भारत रत्न बनने की तैयारी में है, तो ये है छोटा सा ईशान। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर।